पटना शहर पर बढ़ते ट्रैफिक के बोझ को कम करने के लिए सरकार ने भारी वाहनों को महात्मा गांधी सेतु और जेपी सेतु पर पार करने की नई व्यवस्था की है। अब जेपी सेतु से भी ट्रकों का गुजरना शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार ने 20 नवंबर से इसकी अनुमति दे दी है। सिर्फ रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रकों को पुल पार करने की अनुमति होगी। जेपी सेतु पर भारी वाहनों के लिए वन वे ट्रैफिक होगा। 6 से अधिक चक्के वाली गाड़ियां दानापुर होते हुए जेपी सेतु को पार कर सकेंगी। नई व्यवस्था के तहत महात्मा गांधी सेतु पर 6 चक्के तक वाले वाहन ही गुजर सकेंगे। बड़े वाहनों को खाली होने की स्थिति में ही इस पुल से गुजरने की अनुमति मिलेगी। 20 नवंबर के पहले पीपा पुल भी चालू हो जाएगा। जेपी सेतु पार करने के लिए 6 से अधिक चक्की वाले ट्रकों को दानापुर होकर पुल तक पहुंचना होगा। इन्हें अशोक राजपथ और नेहर रोड से आने की अनुमति नहीं होगी। सरकार की बैठक में सभी पुलों से 20 नवंबर से ट्रकों के परिचालन की नई व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। 20 नवंबर से पहले पटना के डीएम को राज्य के ट्रक ऑनर एसोसिएशन के साथ बैठक कर एक रेगुलेशन तैयार करने का निर्देश भी दिया गया है। उसका पालन करना सभी ट्रक मालिकों के लिए अनिवार्य होगा। जेपी सेतु पार करने के बाद सीधा रास्ता बनकर तैयार हो गया है जो एनएच से जुड़ता है। जेपी सेतु पार करने के बाद अब गांव होकर जाने की जरूरत नहीं होगी। इससे पहले पटना के डीएम ट्रक एसोसिएशन के साथ वार्ता करेंगे। वहीं बिहटा के कोइलवर पुल को भी वन वे कर दिया गया है। बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया है कि 20 नवंबर के पहले पीपा पुल के चालू कर देने का निर्देश दिया गया है। इसके चालू होने के साथ ही गांधी सेतु पर दबाव कम हो जाएगा। न्यूज़ 4 नेशन की रिपोर्ट।